Hi everyone, back to our मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा और, और आज के इस वीडियो में हम एक और मेडिकल कॉलेज को रिव्यू करने वाले सो so, अभी तक हमने कई सारे अलग अलग स्टेट से मेडिकल कॉलेजेस को रिव्यू किया है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे अगर आप चैनल पे नए हो सो जस्ट गो एंड वॉच इट आउट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने कई सारे मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ भी डिस्कस किए सो so, राजस्थान uh, का हो गया बिहार का हो गया महाराष्ट्र का हो गया यूपी का हो गया तो कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं uh, जिनके कट ऑफ डिस्कस किए बिकॉज अभी जल्दी ही नाइ uh, जो नीट की काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है सो फॉर योर बेनिफिट्स हम ये सारे वीडियोस बना रहे हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं सो प्लीज ऐसे मत करो जल्दी से सटा करके देखो और हम इस वीडियो में बात करेंगे एस एम बी टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट नासिक में सिचुएटेड है इन द स्टेट महाराष्ट्र सो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं इसके स्टैब्लिशमेंट से ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट इफ यू टॉक अबाउट तो 2014 में इसका स्टैब्बलिशमेंट हुआ था और एफिलिएशन के बारे में बात करें सो यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस से इसको एफिलिएशन मिला गया है वहीं पर इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन मिला है और साथ ही साथ में अगर हम इसके अप्रूवल की बात करें सो उसे एन यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन से इसको अप्रूवल भी मिला गया है सो so, यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट हमने देखा है 2014 में इसको स्टैब्लिश किया गया था सात साल हो चुके हैं एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स ओनरशिप तो ये प्राइवेट कॉलेज है uh, महाराष्ट्र का राइट नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करें एम बी बी एस के लिए तो कुल वन फिफ्टी सीट्स है किसी किसी कॉलेज में हंड्रेड सीट्स होती है किसी में टू फिफ्टी होती है इस कॉलेज में वन फिफ्टी है और अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा क्या प्रोसेस रहेगा सो एडमिशन प्रोसेस इज योर एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में मेरिट के बेसिस पे भी मिलता है बट इस कॉलेज में इट इज थ्रू एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में आपको एडमिशन मिल जाएगा नंबर ऑफ सीट्स एज अफ सेड इट इज वन जिसमें से कि एटी आपका होता है ऑल इंडिया हाँ जिसमें से कि आपका ऑल इंडिया रैंक पे सॉरी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है 85 परसेंट और बाकी का बचा हुआ पंद्रह परसेंट आपका एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए होता है यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो टोटल uh, आपका हो गया है वन फिफ्टी परसेंट ठीक है अब हम बात करें फीस की 110 लाख टेन पॉइंट सिक्स पर आना यानी लगभग आपकी Uh, साढ़े दस लाख जो है वो एक uh, साढ़े दस नहीं सॉरी टेन लाख सिक्सटी थाउजेंड जो है सिक्स थाउजेंड ये आपकी एक साल की फीस है तो लगभग आपके यू you नो know, आराम से पचास लाख जाएगा बिकॉज साढ़े पांच साल का है तो मोर देन दैट फिफ्टी लैक्स प्लस तो आप समझ लो जिसमें से कि एक साल की आपकी जो है दैट इज योर इंटर्नशिप पीरियड तो जिसमें कि आपको स्टाइपन भी मिलता है अब अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेट्स से इंटर्नशिप करते हो या फिर आप प्राइवेट uh, हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हो या आप किसी डिस्पेंसरी में करते हो या किसी मेडिकल स्टॉप पे करते हो सो इट डिपेंड्स ऑन यू बट ओवरऑल आपको एक साल का स्टाइपन मिलता है वहाँ पर सो so ये हमने फीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया है और नीट का बेसिस मैंने आपको बता दिया कि नीट के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके कम से कम तीन सौ दो मार्क्स आना जरूरी है नीट में अगर आप ओ बी सी से हो एस टी से हो एस सी से हो तो आपके टू सिक्सटी फाइव मार्क्स आना जरूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी के फिजिकली हैंडी कैप्ड हो ठीक है उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम टू एटी थ्री मार्क्स आना जरूरी है वहीं पर अगर आप ओ बी सी एस टी एस सी कैटेगरी से हो बट यू आर फ्रॉम लाइक फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी तो फिर आपके आने चाहिए 265 मार्क्स तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है कि नीच के बेसिस पे कैसे एडमिशन मिलता है सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ मैं भूल रही हूँ तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बाकी हमने सब कुछ डिस्कस किया है राइट फ्रॉम स्टैब्लिशमेंट इसकी ओनरशिप सीट्स कितनी अवेलेबल है फीस कितनी है uh, कौन सी एग्जाम यहाँ पर एक्सेप्टेड है एक और चीज़ मैं भूल गई थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो so, ट्वेल्थ में आपके मिनिमम मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना जरूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो फिफ्टी परसेंट इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन आपका फोर्टी फाइव परसेंट अगर आप ओ से हो तो एंड देन अगेन आपका फोर्टी अगर आप एस या फिर एस से हो तो एंड साथ ही साथ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना जरूरी है ट्वेल्थ में राइट सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश फिफ्टी परसेंट अगर आप ओबीसी से हो सॉरी जनरल से हो फोर्टी फाइव परसेंट अगर आप ओबीसी से हो और फोर्टी परसेंट अगर आप एस टी या फिर एस सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो सो so, uh, हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली वी आर टॉकिंग अबाउट एस एम बी टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जिसका हॉस्पिटल भी है जहाँ पर मोर देन सेवन हंड्रेड प्लस अवेलेबल है और जहाँ पर सारे यू नो स्टाफ और सो यहाँ पर हमने किया है इस के बारे में जिसका एक एसोशिएटेड हॉस्पिटल भी है जहाँ पर यू आर गोइंग टू फाइंड मोर देन सेवन हंड्रेड प्लस बेड्स जो की पहले शुरुआत हुई थी इसकी बहुत कम बेड्स लाइक अराउंड हंड्रेड बेड्स थे बट अब Uh, बड़ा बड़ा करके यू you नो know, काम कर करके लगभग सेवन हंड्रेड से भी ज़्यादा बेड्स अवेलेबल है आई सी यू है पी टी सी आर है तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है मैन uh, पावर बहुत अच्छा है इनका अगर हम डॉक्टर्स की बात करें uh, नर्सेस की बात करें तो मोर देन ट्वेंटी फाइव प्लस एक्सपीरियंसेस उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस के साथ में डॉक्टर्स और नर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं सो ओवरऑल इट इज अ गुड कॉलेज एंड अगर हम सिर्फ एम के बारे में बात करें तो भी इसको अराउंड सेवन पॉइंट फोर रेटिंग्स मिली गई है आउट ऑफ टेन और राइट सो नाउ कमिंग टू द मेन टू थिंग्स पहली चीज ये है कि जब आप दो लिंक आपको मिली हुई है पहली लिंक है आपकी नीट प्रोडिक्टर लिंक जब आप उसको डाउनलोड करते हो परचेज करते हो सो यू आर गोइंग टू फाइंड अ लिस्ट ऑफ एम बी बी एस कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड उसके बाद में आपको ये पता चल जाता है कि जब नीट की काउंसलिंग होगी तो आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो अपनी रैंक के हिसाब से सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ परचेजिंग एंड बाइंग द नीट प्रोडक्टर प्रोडिक्टर जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दूसरी लिंक है आपकी जो नीट काउंसलिंग uh, कोर्स है वो हम आपके जैसे स्टूडेंट्स जो नीट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जिस कोर्स में हम लोग ये बताते हैं कि एडमिशन कराते टाइम आपको कैसे कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है क्या एडमिशन प्रोसेस हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आ, क्या कट ऑफ रह सकता है किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा तो ये सारी चीज़ें हम उस नीट काउंसिलिंग कोर्स में बताने वाले हैं जिसकी लिंक जस्ट नीट प्रिडिक्टर लिंक के नीचे दी गई है सो ये दोनों लिंक्स को आपको ओपन करना है खोलना है डाउनलोड करना है परचेस करना है और उसके बाद में आप हमें सजेशन uh, भी दे सकते हो रिव्यू दे सकते हो कि आपको वो नीट प्रोडिक्टर और ये कोर्स काम में आया है या नहीं और राइट सो वी आर डन फॉर टुडे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो डो नॉट फोर गेट ए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और नीट प्रोडिक्टर को यूज करना मत भूलिएगा सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.